लोगों का गाना अच्छा है, गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई, आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले कुछ बता रहा प्लीज प्लीज। तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ, ये गाना अब आप लोगों का है, हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है, उस शहर का नाम है आगरा जहाँ ताजमहल है, और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है, और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त, हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती, शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग, तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, तो प्लीज़ उसको कभी भी एक एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है, कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ दैट हैपेंस एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिया है, गाने भी इतनी अच्छी लग रही है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर, यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग, स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव द सॉन्ग, मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं, फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है, मैं सर अर्जुन बिजलानी तो बोलते हाँ मुझे सर कब करना है, कब आऊँ कल आऊँ, फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज स्टिल टीचिंग मी सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाए। जैसा कि मैंने कहा तलाक कोई तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स एंड टू ईच इज़ ऑन, सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है, आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है, लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को, तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए यार, प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए, और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूरी नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबडी। इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चल रही है, व्हिच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ, व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है, रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द
वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट. और मुझे लगा, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा. एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबॉडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को. काफ़ी बड़ी इट्स द नंबर वन रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1. मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेलम्ड विथ ऑल द रिस्पांस, ऑल द कमेंट्स. और सवीर राठौड़ को और प्रीश्वीर को, यानी प्रिशा और सवीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो. वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल लाइक्ड इट. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सब्जेक्ट भी है साथ ही लिरिक्स भी जो है अच्छे गाने के, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है? गाना तो सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा है. भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, कमल भाई ने बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है और दीपक जी ने प्रोड्यूस किया है, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी है, एक्टर भी अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है. और गाना ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे से पहले कमल भाई ने ले लिया, तो बहुत ही अच्छा गाना है. और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई. दोनों मतलब लाइक अर्जुन एंड आलिया दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने और बहुत अच्छे लगे हैं. सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? मैं अभी बालाकोट कर रहा हूँ फिल्म, जो जल्दी अनाउंस होगी और फिर आप लोगों से वहीं पे मुलाकात होगी और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी. वो उसी तरह की है जैसे बूझ थी उतनी उसी लेवल की है, तो अभी लेकिन थोड़ा सा अनाउंसमेंट पर अपन वेट करते हैं इसका. ओके, थैंक यू वेरी मच.